अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस फ्रॉम भिवंडी। दोस्तों मैं शानू भाई के यहाँ पर और आपको आज इनका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ब्रीडिंग क्वालिटी बग दिखाने वाले हैं। माशाल्लाह वाइट आइज़ में इनके घर का बच्चा जो फॉर सेल निकाल लें शानू भाई। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं विद सच अ प्लेफुल गोट। अस्सलामुअलैकुम शानू भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई माशाल्लाह ये बच्चे को तो मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। जी जी भाई। और हमने इसको आज तक कभी वीडियो पे लिया नहीं। नहीं कभी नहीं। ये आपके घर पे ही पैदा हुआ था। घर पे ही पैदा हुआ था भाई, है ना। जब ये एक दिन का था जब से मैं इसको देखा हूँ यहाँ पर, और आज ये माशाल्लाह 4-6 दांत पे हो चुका है। क्या बात है। तो इसकी माँ आई थी ना अपने यहाँ? जी अपने पास आई थी। शोएब भाई है, लोखंड वाला है जी, उनके पास से आई थी इसकी माँ। अच्छा। और वहीं से लग के आई थी तो इसका ये बच्चा फिर यहाँ पे पैदा। मतलब ये माशाल्लाह लोखंड वाला गोट फार्म की रिजल्ट है ये। जी जी जी। जो उनका पहला बकरा था जो माशाल्लाह उसका बच्चा है। तो ये हाइट पैड में एकदम? हाँ हाइट पैड में, लेकिन अच्छा बेहतरीन है, रिजल्ट देने वाला बच्चा जी। और इसका रिजल्ट आया आपके यहाँ? जी जी भाई। तो बेचने की कुछ रीजन वजह? क्योंकि बचपन से पाले आपने? बचपन से हाँ। अभी कैसा कि वो इनब्रीड नहीं होना चाहिए ना, तो इसको हटा के अभी दूसरे ब्रीडर जो आपका मेन ब्रीडर आया। तो माशाल्लाह इसको पकड़ के इससे पॉइंट्स बता देते एक बार। हाइट में माशाल्लाह बच्चा भाई जी, 6 दांत के ऊपर है। स्पॉटलेस है, एक दो जगह एक इधर पे तिल है और सिंग पे एक दाग है बस इसके। अच्छा ये तिल है ना? हाँ हाँ। ये मतलब दाग नहीं बोलेंगे दाग इसको? नहीं है दाग। एक बार दिखा दो तो आप पकड़िए ना, ये तो लोग उसको भी दाग समझते हैं। नहीं, नहीं, तिल है, तिल है। बाकी तो स्पॉटलेस है, पूरा फुल गुलाबी में माशा, पूरा गुलाबी बच्चा। रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है, गुलाबी बच्चे ही डालता है। अगर किसी को चाहिए रहेगा ना तो फोटो मैं दे दूंगा मार्बल सिंह में। बहुत सुंदर माशाल्लाह। हेल्थ वाइज इतना ये बना नहीं, इसकी रीज़न क्या था? ब्रीडिंग पे नहीं होते ना। अच्छा ब्रीडिंग पे रखे थे उसको। हाँ हाँ हाँ। और वैसे भी जैसे हाइट पैड वगैरह 6 दांत ऐसे आगे ही जान आगे रिजल्ट ना 6 दांत के बाद ही देते हैं लोग। सही। किसी को इसका रिजल्ट का वीडियो या तो इसकी माँ का वीडियो चाहिए तो आप भेज दें, मैं दे दूंगा, है मेरे पास है। सही है। तो इंशाल्लाह ये बकरे के और भी अगर आपको कुछ जानना है तो शानू भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करें आप। ठीक है, ब्रीडर क्वालिटी का आपके सामने ही है। सिंग मार्बल है, चारों खुर वाइट है माशाल्लाह। अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप के लिए खरीदता है शानू भाई तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो जाएगा? जी जी, जा चाहिए ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी ट्रेन जा रही है वहाँ पर ही बच्चा भेज सकते हैं आप। इसके साथ की एक बकरी भी है जी भाई, है ना, वो भी देनी है आपको जी, जी, जी। तो वो अभी दिखा देते हैं इंशाल्लाह। तो ये इससे ही गाबन है भाई? ये बकरी पतीरा से गाबन है। अच्छा, दूसरे बकरे दूसरे पतीरा से गाबन है। ये हाइट पैड में ना? ये भी हाइट पैड में, लेकिन हैदराबादी इसमें ज्यादा हो गया कान की ना, कान मोटा है और खुले हुए कान की है जी। और वाइट आई, लेकिन इसकी एक खूबी बहुत अच्छी है जी, इस पे जैसा बकरा लगेगा ना वैसे बच्चे डालती है। लास्ट टाइम इसने बच्चा डाली थी, पैदा हुआ था 14 इंच के कान पे। 14 इंच के कान पे पैदा हुआ था, हालांकि उसके बाप का कान भी 20 इंच का था। माशाल्लाह। अभी ये लोडेड है, लगभग 4 महीने के आसपास की लोडेड है। तो ये मतलब जल्दी बच्चा भी दे देगा? जल्दी जल्दी दे। और दूध सूख गया एकदम इसका जी भाई। माशाल्लाह। सो माशाल्लाह शानू भाई बहुत अच्छी बकरी है। और इसकी क्या हिस्ट्री क्या रही है आपके साथ? ये काफ़ी टाइम से भाई मेरे पास है और इसका माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट मैंने कर रहा हूँ ना जी। ये इससे पहले जो लोड थी ना वो अपने सोहेल भाई है, सोहेल मुखी, रॉयल मुखी गोट फार्म, उनका जो ब्रीडर है उससे ये लोड, अजान 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 से माशाल्लाह 2 बच्चे इसने डाली थी, एक बाप पे गया था और एक इसके ऊपर आया था जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा, बच्चे बनाने में एक नंबर है बकरी है। और अभी किससे लोडेड है? अभी तो मेरे पास उसका फोटो है, कम से कम लोग डबल पंच देखे है ना, मैं ट्रिपल पंच का बकरा दिखाऊंगा, उससे ही लोड है, उससे लोड है अभी। पतीरा में बहुत बेहतरीन है। और इसकी कुछ कीमत आप बताना चाहेंगे लोगों को? कीमत इसकी रीजनेबल ही है भाई, 24,000 रुपये की है। 24,000 में आप दे देंगे? जी जी। माशाल्लाह लोड है, अच्छे बहुत अच्छे पंच के बकरे से लोड है। और ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी पॉसिबल कर देंगे। सही। और कोई बकरियाँ हैं वो भी आप दिखा दीजिए इंशाल्लाह। सो जो बकरे से ब्रीड है उसका फोटो भी आपके पास? जी जी है, एक बार दिखा देते हैं। माशाल्लाह मतलब ये फुल पंच। जी जी भाई, पतीरा बकरे से डबल पंच का बच्चा था, बहुत बेहतरीन था। सही है, तो उससे लोडेड है जी भाई। रेट तो आपने बता ही दिया है जी, जी, जी। अब नेक्स्ट जो दो बकरियां हैं वो देख लेते हैं जी भाई।
तो शानू भाई हाइट पैड जोड़ी के बाद में माशाल्लाह एक एक करके बाकी बकरियां देख लेंगे जी भाई। शानू भाई ये बकरी बच्चे के साथ है माशाल्लाह जी भाई जी। ये बच्चा है लगभग महीने भर का है और बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा अल्लाह नजे बच्चे बचाए, बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह। व्हाइट आईज के अंदर है, व्हाइट आईज, कान देख लो आप, माशाल्लाह जबरदस्त चीज है भाई। और माँ भी राउंड फेस में नर मॉडल एकदम, दूध वगैरह आंचल भी एकदम परफेक्ट आंचल, परफेक्ट आंचल, दूध वगैरह पिला रही है इसको ना जी जी। माशाल्लाह हेल्दी बच्चा, सही दो दांत पे है, यंग बकरी है। और अच्छा है कि एक ही बच्चा हो तो उसको टेक केयरिंग में भी इजी रहेगा एकदम। क्या बात है भाई माशाल्लाह, क्या कीमत वैसे सेट की हो इनकी आपने? ये 38,000 माँ बेटा दोनों साथ में, सही। तो ये उम्र में भी ये ट्रांसपोर्टेशन तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, नहीं रहेगा तो थोड़ा रुक के कर देंगे हफ्ता बाद, सही नज़दीक रहेगा तो हो जाएगा। माँ के अंदर स्पॉट है कान पे, मैं बता दूँ एक स्पॉट है इधर। ये सब मतलब बहुत बारीकी वाली बात, ये बताना ज़रूरी है क्या, फिर बाद में सौदा होने के बाद ना मज़ा नहीं आती। एक एक वो स्पॉट है, स्पॉट है, हालांकि बच्चे में नहीं आया, ये भी बता दूँ बच्चे में नहीं आता है, जैसा बाप लगता है वैसा काम बाप, सही है। दूसरी बकरियां इंशाल्लाह भी एक एक करके दिखा देते हैं, छोड़ दीजिए इसको। ये आ जाओ दोस्तों, अभी ये दूसरी बकरी देखेंगे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेम में जी। अगेन सुजत में भाई, लास्ट टाइम जैसा मैं बोल रहा था ना, ऐसी फ्रेम की बकरियां काफी कम देखने मिलती है, ये सब दूध देने की बहुत अच्छी मतलब खानदानी बकरियाँ होती है, फुल गाफ्ते है भाई। आंचल भी एक एक्स्ट्रा है भाई, नहीं चालू नहीं है लेकिन वैसे है मतलब देखने आप, ये मतलब फुल टाइम गाबन है, फुल टाइम गाबन है, तो कभी भी 10-15-20 दिन ऐसा जी 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 अंदाजा आपका। और क्या कीमत कर रहे हैं आप इसके? इसके 25,000 रुपये मांग रहे हैं, 25,000। और ये जो भी रेट है स्लाइडली निगोशिएबल, थोड़ा बहुत हो जाता है, सही। तो दूध का मज़ा लगा है अभी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, ऐसे बच्चे सब जगह सेट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बकरी दिखाते हैं अभी। तो पतीरा सोजत हो गई दोस्तों, अब आपको एक एक करके हंसा दिखाते हैं हम लोग। ये लास्ट टाइम हमने देखे थे फुल टाइम गाबन है भाई, फुल टाइम गाबन है, ये बहुत ज़बरदस्त हैदराबादी से लगी है जी जी जी, ठीक है ना, वो बहुत नामचीन हैदराबादी है, 20 के कान है, मैं अपनी आँख से देख के आया वो बकरे को, सही है। यानी कोई भी टाइम बच्चा दे देगी, लास्ट वीडियो में इसका सौदा हुआ था लेकिन हुआ था दूर तो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगी ना ज़्यादा, आसाम के लिए हुआ था इसका, आसाम कैसा भेजेंगे लास्ट मोमेंट पे, मैंने फिर मना, सही है। आंचल वगैरह इसके भी एकदम परफेक्ट है, और दूध नीचे आ गया अभी, हाँ जी जी, ये भी एकदम कम 10-10 एक दिन में दूध नीचे आ गया, मतलब फिर कभी भी दे सकती है। इसकी कुछ कीमत बताना चाहेंगे आप? ये 35,000 ठीक है, ये फाइनल रेट है, कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा, सही। तो फ़ायदा है इंशाल्लाह, अगर ये दो बच्चे दे दे, बकरी तो यूँ ही फ्री है जी। तो एक आदमी रिस्क ले ले तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिल सकती है इसमें, सही है। नेक्स्ट बकरी देख लेते हैं। तो शानू भाई एक दो पॉइंट, जैसा आप लोग को तो एक्सपीरियंस है जी जी, जैसा भी ये दम गाप पे जी, पीछे का पार्ट जो है वो सूज जाता है, सूज जाएगा पूरा, बाहर की तरफ आ जाएगा गुलाबी पन, मतलब थोड़ा सा सुर्ख दिखने लगेगा, ठीक है। और कांटा छोड़ दी जो आप बोलते हो, क्या कांटा बोलते हैं ना, ये एंड मोमेंट पे बकरी इधर पे ये खड्डा बना लेती है, वो तो मैक्सिमम लोग को पता ही है। हाँ, तो एक्चुअली वो नए लोग जो वीडियो देखते हैं ना, उनके लिए सीखने की बात है। मैं तुमको सिम्टम्स ये ना बता देता हूँ, 3 महीने के बाद के जो सिम्टम चालू हो जाते हैं ना, पहला सिम्टम जो है ना, पेट की लटक बढ़ जाएगी, नीचे से पेट लटकने लगेगा बराबर, ठीक है, और दूध सूखने लगेगा, जो दूध है बकरी का 3 महीने के बाद के सिम्टम बता, ठीक है, पहले ये पेट लटक दिखने लगेगी, दूसरी हाँ। बात दूध, इसका दूध सूखने लगेगा जी, मतलब ओके हो गई कन्फर्म, फिर एंड मोमेंट में जब तुमको सिग्नल देगी वापस ये दूध छोड़ेगी जो सूख गया हाँ। और यहाँ पे खड्डा हो जाएगा जी, और जो पीछे का जो हिस्सा हाँ, है वो सूजन आ जाएगा, सूजन मतलब अच्छा खासा बाहर की तरफ हो जाएगा, एकदम बाहर हो गया जी। एग्जैक्ट डेट तो हम बता नहीं सकते, डॉक्टर भी नहीं बता सकता, वो तो है ना, वो तो सब अल्लाह की मर्जी है। बाकी आंचल में दूध उतर गया, हाँ जी सही, आंचल में दूध उतर गया ने, बस हफ्ता भर रह गया, सही। कुछ बकरियां तो ऐसी रहती है कि आंचल में दूध उतार के दूसरे दिन बच्चा दे देती है, और कुछ तो ऐसी रहती है बच्चा देने के बाद भी उतारती है, हाँ हाँ दूसरे दिन उतारती है। चलिए नेक्स्ट बकरी दिखाते हैं हम लोग, ये लास्ट वीडियो में नहीं थी दोस्तों ये बकरी, ये हम ये वीडियो में आपको बता रहे हैं माशाल्लाह।
इसको भी दूध है, मतलब ये बच्चा दी हुई है, बच्चा दी हुई है एक बार ही, और अभी कम दिन की काबल है, कम दिन की दिन या महीने, तो इसकी अपन गारंटी लेते हैं, नहीं कच्चे, नहीं गारंटी, कच्ची पक्की बोल के देते हैं। क्या कीमत करते हैं इसके? ये 14,000 रुपये, और ये भी वही हैदराबादी से लोडेड है, हैदराबादी से, ठीक है ना? तो ये तो लोगों की मर्जी है, पर वही सेम बकरे से लोडेड है, ये है सीन ना, ट्रांसपोर्टेशन में टूट गई है, बाकी बकरी तो एकदम वर्किंग है, और कान भी इसके बड़े हैं बाकी बकरियों से, चमड़ी काली है जो है, मैं बता दूं आप लोगों को, और आई थिंक दूध भी अच्छा खासा ही दे रही है, दूध तो देती है माशाल्लाह, है ना, अच्छा दाना देंगे दूध देगी, सही। चलिए नेक्स्ट, ये दाढ़ी वाली हमने देखी थी लास्ट टाइम जी, अगेन जो मैंने हंसा के 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसके कान ऐसा तलवार की तरह कर्व हो जाते हैं, वो चीज़ देख रहे हैं आप लोग। दूसरा इसकी रोमन नोज आ जाती है, इसके पीछे की झालर काटी हुई है क्योंकि साफ सफाई मेंटेन करने के साथ। ये कितने टाइम गाबन है आपके हिसाब से? ये 2-2.5 महीने की गाबन है, दूध सूखना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, वही सेम हैदराबादी से जी जी जी, है ना? ये दोनों बकरियां और सब बकरियां जो तीनों बताए वो सेम बकरे से गाबन है। और इसकी क्या कीमत करते हैं? 25,000 रुपये की, सही। चलिए हो गए, कम्प्लीट हो गए जी भाई। चलिए इन सबको यहाँ पर अकाल दो बेटा, इधर ले लो आप, है ना, एक बार आपके नंबर्स बता दो। 7021-24-5534, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने लास्ट टाइम वीडियो में बोले थे तो पलाई के भी जानवर कुछ आए, तो अगर ये कोई खरीदेगा पलाई पे इसमें से रख लोगे ना? हाँ रख लूंगा मैं, क्वालिटी जानवर जो गुलाबी में है वो रख लूंगा। ये बहुत बड़ी बकरी है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन है, जो लेगा इंशाल्लाह। और आपने क्या क्या कीमत की इसकी? इसका 25,000 नहीं, मतलब वो तो आप खरीदने वाले पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बकरी बहुत अच्छी है, जो रेट आपने बोले उसमें छोटे मुखी है, पतली गर्दन है नहीं, और जो ये फ्रेम ये पिप्पाड़ वगैरह देंगे भी नहीं, मतलब वो घर के लिए ही रखेंगे, मोटी दुम देखो आप लोग, ये आगे चल के बड़ी बुलडोजर बनेगी, और अभी तो है ही है पर आगे चल के और बड़ी बुलडोजर बनेगी। तो माशाल्लाह ये वाली बकरी जो आप बताए 25,000 रुपये, और अगर दो बच्चे आ गए तो इंशाल्लाह बकरी फिर फ्री है, जो हिसाब से पेट का साइज दिख रहा है उम्मीद है कि दो बच्चे इंशाल्लाह आना चाहिए, और बहुत खूबसूरत बच्चे आएंगे इंशाल्लाह, तो बकरी तो समझ जाओ कि ऐसे ही हो जाएगी, सही है, और यंग बकरी है ये अच्छा, ये भी ऐसे पतीरा सी लगी है वाइट आइस के, जो ये बच्चा है ना, हाँ बच्चा जो मैंने दिखाया, हाँ उसी का बाप इसको लगाया उसको, बराबर। सो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, बहुत बहुत शुक्रिया शानो भाई जी, भाई आपका भी शुक्रिया, आप आए जी, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगी जी जी जी। चलिए अस्सलाम वालेकुम।